जी चलिए अगले कॉलर हमारे साथ बी आर मैडम है नागपुर से बातचीत कर रहे हैं। सर नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी जी अपना सवाल पूछिए सर। एनबीसीसी मेरे पास 200-300 साल से। और किस प्राइस पर आप इन्वेस्टेड हैं एनबीसीसी में? 106 आईपीओ से। जी तो काफी जोरदार मुनाफा ऑलरेडी आपको हो रहा है, अभी जानना क्या चाहते हैं? जानना यही चाह रहे कि होल्ड करेगी ये कर दे। जी ठीक है, गर्विता एनबीसीसी हालांकि बात करने के लिए कुछ है नहीं क्योंकि जोरदार मुनाफा इनको हो रहा है, आईपीओ के समय से ये होल्ड कर रहे हैं और इनके जो पेशेंस है वो काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न इनको अभी डिलीवर कर रहा है। अभी पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर ले, पूरे बुक कर ले या फिर अभी भी होल्ड रखने की सलाह देंगी? आई थिंक दीपाली इनकी पेशेंस ने अच्छे से पे ऑफ किया है, स्पेशली एनबीसीसी जैसी कंपनी जो कि कंस्ट्रक्शन स्पेस में एक लीडिंग गवर्नमेंट की एंटरप्राइज है, और अगर इसी साल का मुनाफा देखें तो इसी साल में स्टॉक ने ऑलमोस्ट 500% की रिटर्न दी है। सो आई थिंक इस लेवल पर ये कुछ मुनाफा यहाँ पर बुक कर सकते हैं। हालांकि जो रिसेंट डील साइंस हुई हैं, चाहे वो एयर इंडिया के साथ हो जिसमें कंपनी ने कहा है कि एयर इंडिया का जो भी लैंड पार्सल है उसके अंदर जॉइंट डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की जाएंगी, और भी कुछ डील साइन हुई हैं जिसके चलते जो कंस्ट्रक्शन रेवेन्यूज की विजिबिलिटी है वो इंप्रूव हुई है, और अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट देखें तो नेक्स्ट ईयर के लिए 20% तक का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एक रीजनेबल टारगेट लगता है। बट आई थिंक फिर भी मुनाफे को देखते हुए करंट लेवल्स पर कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और बाकी को 1000 तक के टारगेट के लिए ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स होल्ड करें। जी तो फिलहाल होल्ड करने की यहाँ पर सलाह दी है गर्विता ने, पार्शियल प्रॉफिट बुक भी आप कर सकते हैं। फिलहाल 782 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहे हैं एनबीसीसी।